हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज पे। हिंदी आप सारी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने एजिस 500 टैबलेट लेके आया हूँ जो कि इसमें सारी जानकारी हिंदी में दूंगा। एजी 500 कौन सी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसके अंदर कौन सा कंटेंट रहता है, इसके कितने टैबलेट का कितना प्राइस रहता है और ये किस किस काम में रहती है और ना इसका क्या साइड इफेक्ट, सारी जानकारी दूंगा। चलो एजी 500 जो कि 3 गोली का पैकिंग रहता है और ये सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और ये एक एंटीबायोटिक दवा है। जैसे लोग बात करते हैं एजी 500 के प्राइस के बारे में, एजी 500 तीन टैबलेट का प्राइस 71 रुपीज़ होता है जो कि हर एक मेडिकल स्टोर के पर आसानी से मिल जाती हैं। अब शुरू बात करते हैं एजी 500 के डोज के बारे में। एजी 500 जो कि 2 पावर में रहती हैं, एक 500 पावर जो कि अभी बता रहा हूँ और एक 250 पावर की रहती है। तो अभी हम बात करते हैं 500 पावर का डोज। यदि एजी 500 हो तो उसका डोज 24 घंटे में एक गोली लिया जाता है, यानी कि दिन में एक गोली एक ही टाइम लिया जाता है। और यदि 250 हो तो सुबह शाम यह गोली लिया जाता है। तो बात करते हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या होता है। एजी 500 के अंदर कंटेंट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg होता है। अब बात करते हैं कि एजी 500 किन किन कामों में लिया जाता है। एजी 500 जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग खांसी, गले में खराश, छाती का फूलना आदि, थ्रोट इन्फेक्शन आदि में इनका उपयोग किया जाता है। एजी 500 जो कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। एजी 500 का 3 दिन का कोर्स रहता है जो कि हमें पूरा करना पड़ता है। हर दिन का एक गोली लेना पड़ता है और ये एक पूरा कोर्स कर लेना चाहिए ये, ताकि आपको खांसी है, बलगम है, थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में खराश है आदि के इनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। बात करते हैं एजी 500 के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। एजी 500 का साइड इफ़ेक्ट अधिकतर जैसे कि उल्टी जैसा होना, हल्का सा जुलाब होना आदि इनका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये सामान्यतः साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि नॉर्मली 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है। चलो एजी 500 का यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।